के स्टूडेंट्स आफ्टर द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, यानी एसिड की सारी जो बेसिक जनरल प्रॉपर्टीज है वो पढ़ने के बाद अब हम ये पढ़ते हैं कि एसिड का यूज क्या होता है। एसिड हमने समझ लिया खराब होता है, अच्छा होता है, क्या होता है, कैसे पहचान सकते हैं, लेकिन इसका हम यूज कैसे करते हैं, ये यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एसिड्स। एसिड्स के बहुत सारे अच्छे यूज होते हैं जिन जो हमको बहुत हेल्प करता है हर चीज में यूज। अब ठीक है, अगर हम बुक के हिसाब से इसको रीड करते जाए एक एक पॉइंट को, तो हमारे ये पेज नंबर 29 पे जो सबसे राइट साइड में टॉप पे जो टॉपिक है यूजेस ऑफ एसिड्स, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यूज एज अ प्रिजर्वेटिव, फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड यूज एज अ प्रिजर्वेटिव। वॉट इज प्रिजर्वेटिव, एक टर्म होती है प्रिजर्वेटिव, ठीक है। लोग समझते हैं प्रिजर्वेटिव जो टर्म है बहुत खराब है, क्यों? मैं तो ऐसा नहीं समझता। ऐसा क्यों? प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है जो किसी भी चीज को कुछ समय के लिए बचा के रखे, ठीक है। प्रिजर्वेटिव जब हम सब टीवी में समझते हैं तो बोलते हैं यूजेज ऑफ प्रिजर्वेटिव इज नॉट बीइंग डन इन दिस प्रोडक्ट, यानी हमने इसमें कोई सा भी प्रिजर्वेटिव यूज नहीं किया है, एकदम नेचुरल है, ठीक है। ये टर्म खराब नहीं है, प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है जो किसी भी चीज को खराब होने से बचाता है। हम किसी भी चीज को अगर स्टोर करते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव का होना जरूरी है, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज को प्रिजर्वेटिव नहीं डालेंगे उसमें तो बहुत जल्दी खराब हो सकती है। तो जितनी भी चीजें जो बिना प्रिजर्वेटिव वाली आती है एकदम नेचुरल आती है, उनको हम जल्दी यूज करते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए, ठीक है। प्रिजर्वेटिव जो होता है उनका बेसिक काम क्या होता है, किसी भी चीज को थोड़े समय तक खराब होने से बचाना, किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना, किसी भी चीज को करोड ना हो, मतलब किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज कहते हैं हम फूड के टर्म में उसको, किसी भी फूड को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है, बूसना जिसे हम कहते हैं ना हिंदी में, किसी भी चीज को सड़ने नहीं देता है, होता है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन से निकला है वर्ड प्रिजर्वेटिव, यूज एज प्रिजर्वेटिव। जितने भी हम बाहर अचार खाते हैं, आपने नोटिस किया होगा जितने भी शादियों में अचार मिलता है, होटल्स में अचार मिलता है, उसमें ऑयल का बिल्कुल यूज नहीं करते। क्यों ऐसा? जो ऑयल होता है वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, ऑयल जो होता है कॉस्टली, एक मतलब एक काफी एक्सपेंसिव प्रिजर्वेटिव है, तो उसकी जगह पे वो यूज करते हैं एसिटिक एसिड। क्या यूज करते हैं? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में मिलता है? विनेगर में। आप याद रखिए, एसिटिक एसिड मिलता है विनेगर में। तो जितने भी बाहर वाले जितने भी अचार बने हुए होते हैं वो प्रिजर्वेटिव के तरीके से एसिटिक एसिड को यूज करते हैं, ठीक है। तो एसिटिक एसिड इज यूज एज प्रिजर्वेटिव, एसिड का एक यूज हो गया प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। हाउ दिस इज यूज्ड इन इंडस्ट्री? यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल H2SO4 एंड HNO3 आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर डाइस, पेंट, फर्टिलाइजर, ड्रग्स एंड एक्सप्लोजिव। साइंस टर्म्स आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। इनमें क्या क्या इसने बोला है, H2SO4 यानी मतलब जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का भी यूज है, ठीक है। तो H2SO4 एंड HNO3 आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, यानी किसी भी चीज को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए H2SO4 और HNO3 का यूज होता है बड़ी बड़ी कंपनीज में। क्या क्या बनाने के लिए? डाइज। डाइज क्या होता है? जो हम कलर करते हैं, मतलब जो डाई हम यूज करते हैं कपड़ों में, बालों में, अलग अलग चीज को रंगने में, जो हम किसी भी एक नॉर्मल अगर कपड़े को अगर हम रंगते हैं तो उसमें डाई यूज होती है, वो डाई बनाने के काम में आता है, ठीक है। पेंट्स बनाने के काम में आते हैं, जितने भी हम दीवार पे पेंट्स लगाते हैं, ऑयल पेंट हो गया, रॉयल पेंट हो गया, जो हम वॉल पे यूज करते हैं वो पेंट हो गया, जितने भी तरीके के पेंट्स होते हैं वो बनाने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में। व्हाट इज फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर जितने भी खेत उत्पाद में जो जितने भी हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जितने भी हम सब्जियां उगाने में फर्टिलाइजर डालते हैं, कई बार सॉइल जो होती है वो भी एसिड मांगती है, कई बार जो पेड़ जो हम उगा रहे हैं जो नेचुरली उग रहा है उसके अंदर भी हमको एसिड डालना पड़ेगा, जब तो वो पौधे में आएगा, तो फर्टिलाइजर में भी एसिड का यूज होता है। ये एग्जांपल्स मैं आपको इसलिए इतना अच्छे समझाता हूँ ताकि जब आप पढ़े तो आपको अचानक याद आ जाए ये सब चीजें। जब हमें फ्रूट्स उगाने उसके अंदर हमें एसिड चाहिए तो हम फर्टिलाइजर में भी एसिड्स को यूज करते हैं, ठीक है। और एक्सप्लोजिव, व्हाट आर एक्सप्लोजिव? जो धमाका करते हैं, जितने भी बम हम बनाते हैं, हम जो वेपन्स बनाते हैं, जितने भी केमिकल कंपाउंड से मिलकर वेपन्स बनते हैं, बहुत सारे उनमें एक्सप्लोजिव जो होते हैं उनमें एसिड का यूज होता है। जैसे मैंने आपको समझाया था, पानी के अंदर अगर आप बहुत स्ट्रांग एसिड डाल देंगे तो इतनी हीट जनरेट करता है वो, इतना ज्यादा एक्सप्लोजिव, इतना ज्यादा हीट वो उसमें से निकलती है कि वो बीकर को फोड़ सकता है, बीकर ब्लास्ट कर सकता है वो, ठीक है। तो एसिड जो होता है वो एक इंडस्ट्री में एक्सप्लोजिव के जैसे भी यूज होता है,
ठीक है, तो ये हमने इंडस्ट्रीज की बात कर ली, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, थर्ड पॉइंट है, वो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन ऑटोमोबाइल एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी हाइड्रेशन, यानी जितना भी पानी होता है उसको कम करने के लिए, डिहाइड्रेट करने के लिए उसको यूज किया जाता है, ठीक है, किसको, सल्फ्यूरिक एसिड को। किनमें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज क्या होता है, जितने भी व्हीकल हमारे बनते हैं, गाड़ियां बनती है, बाइक, मोटरसाइकिल, कार, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, जितने भी व्हीकल होते हैं, इन सब में जो हमारा होता है सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के हिसाब से, ठीक है। और कहाँ यूज होता है, इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड इन्वर्टर बैटरीज। पेट्रोलियम यानी पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज जो होती है उनमें भी यूज होता है। और कहाँ यूज होता है, इन्वर्टर बैटरीज में। जो आप बैटरीज देखते हैं, कई बार आपने अपने पेरेंट्स से सुना होगा ये एसिड वाली बैटरी है, बैटरी को ढंग से पकड़ो वरना तुम पे एसिड गिर जाएगा। तो जो बैटरी होती है उसके अंदर भी एसिड प्रेजेंट होता है, एसिड की वजह से वो बैटरी चलती है। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो क्या कहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स आर यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट एज अ लेबोरेटरी एजेंट एंड टू मेक एक्वा रेजिया दैट डिसॉल्व्स गोल्ड इन सिल्वर। ये काफी एक साइंटिफिक टर्म है जो लैब में यूज होती है, ठीक है। जो हम, आप बड़े होंगे, साइंस पढ़ेंगे, तो आपको एक लेबोरेटरी दी जाएगी जहां पे आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। जब आप साइंस बड़े होके पढ़ते हैं, 11th 12th में पढ़ते हैं या कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो वहां लेबोरेटरी होती है, वहां HCl का यूज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है। एक्वा रेजिया एक केमिकल होता है, एक्वा रेजिया, उसको बनाने के लिए अलग अलग टेस्ट जो हम करते हैं उसमें एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है। और किसमें, सिल्वर और गोल्ड को मिक्स करने के लिए जो उसका सोल्यूशन बनता है उसको बनाने के लिए भी हम HCl का यूज करते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या, व्हाट इज फिफ्थ पॉइंट, कार्बोनिक एसिड इज यूज्ड टू मेक सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने के लिए हम कार्बोनिक एसिड का यूज करते हैं। जैसा हमने उस टेबल में पढ़ा था, सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने के लिए जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आप उसको खोलते हैं तो उसमें से ऐसे बबल्स निकलते हैं, खट्टा सा उसमें टेस्ट आता है, तो खट्टा सा टेस्ट किसका होता है, कार्बोनिक एसिड का। और जो हमारा सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है वो क्या है, इन मैन्युफैक्चर, एक सेकेंड हम इसमें से पढ़ते हैं, टार्टरिक एसिड इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग सोडा। इन मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बनाने के लिए, बेकिंग सोडा हम खाने में यूज करते हैं, हर चीज बेकरी में बेक करने के लिए, एक बेकिंग सोडा जो होता है वो भी एसिड से बनता है, एसिड की मदद से जो होता है बेकिंग सोडा तैयार किया जाता है। तो टार्टरिक एसिड यूज किया जाता है बेकिंग सोडा बनाने के लिए। तो एक बार आप ये सब नोट कर लीजिए, ये एक टेबल है आपके पेज पे, ये एक बार आप देख लीजिए, जो हमने टेबल टू देखी है इसमें सारे एसिड और उनके नेम देख रखे, ये एक बार आप नोट कर लीजिए, एंड थैंक यू।